हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हो और अपने अपने घरों में सेफ हो। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ, उस वीडियो का टाइटल है स्टैंड अप कॉमेडियंस इंसल्ट हिंदू स्क्वाड, स्टैंड अप कॉमेडियन इंसल्टिंग रिलीजन। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी मोर रिएक्शन वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पिया घर है और रामजी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है रामजी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। शुरुआती क्लिप्स देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आज का टॉपिक किस पर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में जो कुछ पैसों के लिए हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों ये कुछ पैसों के लिए तो अपने मॉरल वैल्यूज बेचने को तैयार है। दोस्तों ये स्टैंड अप कॉमेडियंस क्यों हिंदुइज्म का मजाक उड़ाते हैं, क्यों ये हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, और क्या हुआ जब इन्होंने कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का मजाक उड़ाया। आज इनकी कुछ क्लिप्स दिखाई जाएगी ताकि आप लोग भी देखें इनके डबल स्टैंडर्ड्स। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों अलेक्जेंडर बाबू और आदर मलिक, इन दोनों ने गणेश जी का बहुत बुरा मजाक उड़ाया है, ऐसी बेशर्मी वाली बातें की हैं जिन्हें देखकर बड़ा गुस्सा आता है। सबसे पहले बात करते हैं अलेक्जेंडर बाबू की। इनकी स्टैंड अप इंग्लिश में है मगर मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा। ये स्टैंड अप कॉमेडी के आड़ में क्या वल्गैरिटी परोस रहा है देखिए। पहले तो ये गणेश जी को इंटरेस्टिंग गाय बोल रहा है जो कि गलत है, मगर कोई बात नहीं, हम हिंदू धर्म के हैं, इतना एक्सेप्ट हम करते हैं। सह लेंगे थोड़ा सा। I think Lord Ganesh is exactly like an IT engineer. Yeah, he's a very knowledgeable guy. He's a huge head, he's got and huge belly. Yeah. ऐसे मजाक करने की क्या जरूरत है? लोग ऐसे तो बहुत ज्ञान झाड़ते हैं कि किसी को मोटा मत बोलो, किसी को छोटा मत बोलो, किसी को काला मत बोलो, किसी को गोरा मत बोलो, किसी की बॉडी शेमिंग मत करो, मगर इंसानों का तो छोड़ो। यहाँ तो ये इन बातों पर भगवान का मजाक उड़ा रहा है। बाद में गणेश जी का सर बड़ा है, उनकी तोंद बड़ी है। आगे देखिए ये गणेश जी को कैसे एक इंजीनियर से कंपेयर कर रहा है। कुछ भी What is forever single? ये क्या टैग अब डिवाइन पर्सनैलिटी पर लगा रहे हैं? अगर कुछ बोलना ही था तो कम से कम रिसर्च तो करके आता। गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ था और हर साल जो दिवाली पे हम शुभ लाभ लिखते हैं ना घर में, वो शुभ और लाभ गणेश जी के ही पुत्र है। अलेक्जेंडर भाई अगर कुछ जानते नहीं हो तो किस हक से मजाक उड़ा रहे हो? और ये बंदा यही नहीं रुका, इसने गणेश जी के जन्म को भी एक मजाक बना कर रख दिया है। So here is the story of Lord Ganesh according to the Wikipedia. I mean according to the old scriptures. I'm sorry. Yeah? Are you comedy me? Playing with this little sandalwood paste and she makes a nice little toy. By accident, she breathes into the toy. Because she's Parvati, she's full of Shakti, right? She's breathing into the toy, this baby toy becomes a baby boy. Lord Ganesha is born, guys. दोस्तों ये बहुत दुख की बात है कि जो ऑडियंस बैठी है वो ऐसे भद्दे मजाकों पर हंस रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। पढ़ा लिखा होना अलग बात है और इनसेंसिटिव होना अलग बात है। कि इनको थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है कि इनके भगवानों के बारे में क्या बोला जा रहा है। एक सवाल मैं अलेक्जेंडर बाबू से करना चाहूँगा कि भाई आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, मगर क्या आप ये सेम मजाक किसी और धर्म, किसी और रिलीजन पर उड़ा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी और धर्म क्यों, आपके ये धर्म क्रिश्चियनिटी में क्या जीसस क्राइस्ट के जन्म को आप ऐसे ह्यूमरस वे में बता सकते हैं? मदर वर्जिन मैरी, सेंट जोसेफ साहब के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वहाँ इतनी लिबर्टी नहीं है। ये तो हिंदुइज्म में आपको बहुत ज्यादा आजादी मिली हुई है कि आप कुछ भी आकर कुछ भी बोल रहे हैं। इन लोगों का और कुछ काम नहीं है, बस आकर एक पॉलिटिकल, एक रिलीजियस जोक मार लेंगे और अपना एक फैन बेस बना लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। AIB ने भी एक बार क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाया था, उसके बाद क्या हुआ था, उनकी हालत खराब हो गई थी। क्रिश्चियन ग्रुप्स ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही थी, फिर जाकर AIB वालों ने ओपनली माफी मांगी थी। कहने का मतलब है कि किसी भी मजहब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो हिंदुइज्म आपको इतनी लिबर्टी दे रहा है कि आप आकर कुछ भी बोल रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं, मगर आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे धर्म के बारे में ऐसे बकवास बातें करें। दोस्तों अब आते हैं आदर मलिक पर। जो गणेश चतुर्थी में महाराष्ट्र में माहौल बनता है ये उसका मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। No more sugar for you. Just give it right. Give it. Just calm the head down, right?
दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गणेश जी की सवारी होती है मूषक। हम सब इन बातों की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे भगवान शिव के लिए नंदी है, लोग नंदी की पूजा करते हैं, वैसे ही गणेश जी के लिए मूषक है, लोग इन बातों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस पर बेकार सा जोक बनाना कि तेरे पे चूहा छोड़ दूंगा, कितना भद्दा लगता है। दोस्तों यहाँ इसने भगवान शिव की इंसल्ट करने की कोशिश की है, मगर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये गलती है आज की हमारी जनरेशन की। आजकल जहाँ देखो भगवान शिव को उनकी फोटोज में गांजा पीते हुए दिखाते हैं, तब शिवजी को एक कूल भगवान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी इमेज ऐसे सेट की जा रही है कि शिवजी सिर्फ भांग पीते हैं, वो सिर्फ गांजा फूंकते हैं, वो नशा करते हैं। इसे देखकर आज की जनरेशन ये सोचती है कि अगर शिवजी गांजा फूंक सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और वो तो भगवान है और भगवान से तो हम सीखते हैं। तो शिवजी के नाम पर नशेड़ियों को एक बहाना मिल चुका है गांजा पीने का, नशा कर बम बम भोले करने लगते हैं। मगर किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ कि शिवजी गांजे का सेवन करते हैं। इस पर सदगुरु जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, सुनिए। अगर शिव धूम्रपान भी करते थे, मुझे नहीं लगता कि वो करते थे, वो निश्चित रूप से मदहोश थे, मगर भांग और गांजे जैसी तुच्छ चीज से नहीं। चाहे वो धूम्रपान करते भी थे तो क्या आप वे सब चीजें कर सकते हैं जो वो करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बात है, पहले तो ये गणेश जी के बड़े कानों का मजाक उड़ा रहा है, फिर कह रहा है 50 स्पीकर नहीं चाहिए पूजा पाठ में। हाँ बात तो सही है वैसे, 50 स्पीकर क्यों चाहिए, भगवान तो मन से ही प्रार्थना सुनते हैं। मगर जब यही बात सोनू निगम ने कही तो इतना हंगामा क्यों मचा भाई? सोनू निगम ने कहा कि सुबह की अजान स्पीकर पर बजने की वजह से उसकी नींद खराब होती है। अगर आपको प्रार्थना ही करनी है, अगर आपको अजान ही पढ़नी है, तो उसमें स्पीकर ही क्या जरूरत है, ऊपर वाला तो प्रार्थना मन से सुनता है। बात तो सही है। उसके बाद तो हर धर्म के लोग सोनू निगम को समझाने आ गए थे कि भाई ये गलत है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। मीडिया ने भी सोनू निगम को तगड़ा टारगेट किया था, लिबरल्स की तो इतनी छाती जली थी क्या ही बताएं। और एक मौलवी ने तो एक फतवा तक जारी कर दिया था कि जो सोनू निगम का सर मुंडवाएगा उसको हमारी तरफ से 10 लाख रुपए मिलेंगे। मगर जब सोनू निगम ने अपने एक मुस्लिम दोस्त जो कि हेयर ड्रेसर है उसी से अपना हेड शेव करा लिया और कहा कि अब इसे 10 लाख रुपए दो, दोस्तों जो बात आज आदर मलिक ने कही है वही बात तो सोनू निगम ने कही थी। सोनू निगम की बात पर बुद्धिजीवी ज्ञान क्यों बांटने लगते हैं? तो रीजन ये है कि हमारे धर्म से ज्यादा टॉलरेंट कोई धर्म नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हर एक बात को हम बहुत पोलाइटली प्रेजेंट करते हैं और कोई हमारे धर्म में कोई कमी भी निकालता है तो हम उसे सुनते हैं, क्योंकि हमारी सनातनी संस्कृति हमें यही सिखाती है। मगर ये स्टैंड अप कॉमेडियंस हमारे धर्म का मजाक उड़ाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। वो एयरपोर्ट क्यों, ये क्या दिखावा कर रहे हो आप लोग? क्योंकि इसी यू आर द स्टेट महाराष्ट्र, यू कैन डू एनीथिंग, तो एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। जिनका भी घर है आसपास उनके मुंह पे मार 5 करोड़ रुपए और बोल हट वरना तेरे डाइनिंग टेबल से जाएगा प्लेन। अच्छा 5 करोड़ रुपए मार मुंह पर, भाई थोड़ी तो शर्म कर बोलने में। 5 करोड़ तो नहीं, अगर कोई सही अमाउंट देकर भी सरकार जमीन खरीदने की कोशिश करे ना तो सबसे पहले ये और इसके फेक लिबरल्स दोस्त आ जाएंगे कि गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीन उनको वापस दो, आप उनका हक छीन रहे हैं। चलो फिर भी एक नाटकीय रूपांतरण देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एयरपोर्ट के पास वाले लोग किसी भी एक्स वाई जेड स्टैंड अप कॉमेडियन को बोलते हैं कि भाई हमको 5 करोड़ दिलवा दो और हमारी जमीन बिकवा दो, और वो हायर ऑफिशियल्स को कॉल करता है। यार खोके जल्दी से डिले करो, खोके का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा 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 करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जानता ना तू किससे बात कर रहा है, नाम सुना ना मेरा? हाँ सुना है ना, तो मैं क्या करूं रे? और अगर चार जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। म्यूजिक दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? क्यों एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। कौन है नेपोलियन, क्या लगता है हमारे देश के, इसने किया क्या है हमारे देश के लिए और क्यों इसके नाम पर रखे? नेपोलियन ने आज तक किया क्या है? बस औरतों के राइट्स छीने हैं, बहुत से लालची कानून बनाए हैं, उसकी गलतियों की वजह से न जाने कितने ही उसके देश के लोगों की जान गई है, और नेपोलियन की वजह से ही 15 साल तक यूरोप युद्ध में उलझा रहा था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमेशा अपनी मिट्टी के लिए जान देने के लिए तैयार थे, उनका नाम होना चाहिए या फिर स्टीरियोटिपिकल मिसोजिनिस्ट नेपोलियन का? सोचिए।
अगर फिर भी इसको नाम चेंज ही करना है तो कम से कम नाम तो ढंग का ले, जैसे उन शहीदों का नाम रखा जा सकता है जिन्होंने युद्ध में अपने देश के लिए जान दी है, या फिर ऐसे राजाओं के नाम पर नाम रखा जा सकता है जिन्होंने हमेशा अपनी मिट्टी की रक्षा की है और ना ही कभी किसी एक गुलामी स्वीकार की है, जैसे कि महाराणा प्रताप। मगर महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ही बेस्ट है। आप लोगों ने तो रेलवे स्टेशन का नाम भी शिवाजी रख दिया। अरे शिवाजी वाज अ ग्रेट वॉरियर, आई डिड नॉट नो ही वाज आल्सो ट्रैवल एंथुसियास्ट। मतलब जो भी रेलवे स्टेशन के नाम होते हैं वो सभी ट्रैवल एंथुसियास्ट के नाम पर होते हैं। मगर कुछ भी बोल रहा है, आइए देखते हैं कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन जिनके नाम सिर्फ ट्रैवल एंथुसियास्ट पर तो नहीं है मगर उनके नाम लेने से ये कॉमेडियंस डरते हैं। कुछ भी और नाम रख ले, एक का नाम शिवाजी, दूसरे का नाम नॉट शिवाजी एयरपोर्ट, वर्क्स। तीसरा एयरपोर्ट मे बी शिवाजी एयरपोर्ट, वर्क्स। कोई सेंस है इस बात की? दैट दे आर मेकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दे नेमिंग इट महाराजा शिवाजी। लगता है कभी-कभी पायलट्स कंफ्यूज हो जाते होंगे कौन से एयरपोर्ट में उतरना है, महाराजा शिवाजी और कॉमन मैन शिवाजी। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आगे देखिए अग्रिमा जोशुआ, जिसे सेक्युलरिज्म का क्वीन कहना गलत नहीं होगा। दिस शिवाजी स्टैच्यू इज अमेजिंग मास्टर स्ट्रोक बाय अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इट विल हैव सोलर सेल्स व्हिच विल पावर ऑल ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा बंदा उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कंटेस्ट है, उसने सोचा यस, इट विल आल्सो हैव जीपीएस ट्रैकर्स एंड इट विल शूट लेजर रेज आउट ऑफ इट्स आईज टू किल पाकिस्तानी टेररिस्ट इन द अरेबियन सी। तीसरा बताया सबसे Please get your facts right. It's not Shivaji. It's Shivaji Maharaj. मैंने उसी को follow किया। अच्छा मैंने कुछ। फिर से हमारे छत्रपति पर जोक मारा गया है। दोस्तों इन्हें इस बात के पैसे मिलते हैं, ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस देश इस धर्म की इतनी इंसल्ट करनी है कि लोग इस धर्म इस देश को छोड़ दें और इसका मजाक बनाएं। और ये हमारे पूर्वजों का मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर आप छत्रपति शिवाजी का मजाक उड़ाकर खाली नहीं जा सकते। सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। जब इनकी इस वीडियो पर बहुत बवाल हुआ तो इन्होंने एक ट्वीट भी किया कि मैं सॉरी नहीं मांगूंगी। एटीट्यूड। रुको जरा, सबर करो। और एनसीपी, शिवसेना, मनसेन और कांग्रेस में से जिन जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता किसकी? गणेश, गणेश की। जी बोल, पीछू जी लगा, पीछू। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते, अपना काम करना। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह? ओके, ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी ने गधे की टांग लगा दी उसकी। देखो इन्हें, ये हैं उसकी बूंदे पत्तों की। दोस्तों फिर से शिवजी और गांजे की बात कर जोक मारा है, और जिस चीज पर वो ऑडियंस बैठकर हंस रही है वो काम आज की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। अब लोग कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, किसी हाथी का सर किसी इंसान के सर पे कैसे लग सकता है? मगर भाई आज से कुछ टाइम पहले लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं होते थे, हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं होते थे, आंखों का दान करना या किसी को आंखें मिल जाना ये सपनों की तरह बातें थी। अगर उस समय कोई बोलता ना कि आपका दिल किसी और की बॉडी में सेट कर रहे हैं तो लोग हंसते, मगर आज वो सच है ना। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबल हो जाए कि किसी जानवर का सर किसी के इंसान पे लग जाए। और दोस्तों आजकल जो सबसे ज्यादा प्रयोग दुनिया की लैब्स में हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं। साइंटिस्ट क्रॉस ब्रीड्स के एक्सपेरिमेंट्स बहुत कर रहे हैं, वो अलग अलग जानवरों के डीएनए से नए स्पीशीज बनाने की ट्राई कर रहे हैं। चाइना की वुहान लैब जहां से कोरोना के लीक होने की बात चल रही है, वहां भी बहुत भारी संख्या में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। हो सकता है जिस बात पर आज हम हंस रहे हैं वो हमारा भविष्य हो, मेडिकल साइंस का भविष्य हो। और हिंदुइज्म में तो हमेशा साइंटिफिक फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे पीपल की पूजा करना क्योंकि पीपल हमें दिन रात ऑक्सीजन देता है, तुलसी की पूजा करना क्योंकि तुलसी एयर प्योरीफाई करती है, गाय की पूजा करना क्योंकि गाय हमें बहुत से डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं। यही नहीं, सूर्य सिद्धांत जैसी किताब,
108 नंबर का सिग्निफिकेंस, ऐसी और बहुत सी बातें हिंदुइज्म में भरी पड़ी है। तो इन बातों पे हंसने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि पहले भी हिंदुइज्म ने हमें साइंस में बहुत कुछ दिया है। मेरा पिया अगर है और रामजी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है रामजी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। कंट्रोल कंट्रोल उदय। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। इफ योर हस्बैंड इज अ व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। एक बात सोचने वाली है, जब भी हिंदुइज्म को मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है तो सबसे पहले टारगेट भगवान राम को किया जाता है। पाकिस्तानी फिल्मों में भी हमने देखा था कि कभी सीता नाम की लड़की अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती है, तो कभी रामलाल की बेटी हिंदुओं से नफरत करती है, अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहती है। भगवान राम को तो एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर छोड़ दिया गया है, मगर मुनावर फारूकी ने मजाक तो उड़ाया ही है मगर बीच में गालियां भी दे रहा है। भगवान की बातों के बीच में गाली देना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं लगता मुनावर भाई। और ये सब क्या है, व्हाई आर यू अपडेटिंग माय हस्बैंड? भगवान राम के चरित्र पर कोई सवाल कैसे उठा सकता है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लोग उनकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से उन्हें पूछते हैं। भगवान राम की क्वालिटीज अपने अंदर लाना तो इम्पॉसिबल के बराबर है, और आप इन क्वालिटीज को डिनाई करके उन पे हंस रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए आपको। और इतनी हद पार होने के बाद फाइनली इस पर ऑफिशियली कार्रवाई हुई थी, लोगों ने फाइनली अपनी आवाज उठाई, और ये ठीक भी था। कब तक लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाते रहेंगे और हम उनको सुनते रहेंगे? मगर दुख की बात यह है कि जब मुनावर फारूकी जेल से बाहर आया तो लोगों ने इसको हीरो बना दिया। उसने एक गलती की जिसकी उसे सजा मिली, तो उसमें हीरो बनाने की क्या बात थी? कहीं से भी ले आएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। उल्टा उसे तो बॉयकॉट करना चाहिए था, मगर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, पढ़े लिखे हिंदू अपने शर्म है आपके। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों आगे देखिए इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के कुछ ऐसे ट्वीट्स जिन्हें देखकर आपको बड़ा गुस्सा आएगा। दोस्तों मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी फेथ होती है, और जो लोग ऐसा करते हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। और किसी की फेथ पर हंसना किसी भी धर्म किसी भी संस्कृति में बुरा ही होता है। तो दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरा ख्याल है जैसे मैं सोचती हूँ सब शायद वैसे ही सोचते हों, लेकिन हकीकत अपोजिट होती है। सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू थिंकिंग होती है, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है, सबको डिफरेंट डिफरेंट बनाया गया है। तो मैं इस वीडियो को देख के बहुत अपसेट हुई। जो भी इस वीडियो देख रहा है वो हंस रहा हो या अपसेट हो, मगर ये बहुत गलत है। स्टैंड अप कॉमेडियंस आप बहुत गलत कर रहे हैं, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना बहुत ही गलत है, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। आई एम अ मुस्लिम गर्ल, किसी भी धर्म का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम सबको एक हस्ती ने बनाया है, ये मज़हब इंसान सब बराबर हैं, तो आप इंसानियत के धर्म को सबसे ऊपर क्यों नहीं रखते? हर धर्म अपने अपने धर्म को सबसे ऊपर मानता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सब अपने धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, मगर किसी धर्म का मजाक उड़ाना ये बहुत गलत बात है। तो आप जो भी स्टैंड अप कॉमेडियंस कर रहे हैं ये बहुत गलत ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी मोर वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।